मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार शर्मा जी मेरे साथ हैं। कक्का जी, जिस तरह से आंदोलन की रूपरेखा है, सरकार अपनी तरफ से जतन कर रही, क्या तैयारी आपकी? देखिए, हमने बैठ के हो चुकी हैं और सभी संभागों में मैंने बैठ के ले चुका हूँ। आखिरी मेरी कल ग्वालियर में थी तो हो चुकी है। बॉम्बे में भारत के जितने भी संगठन आए हुए थे उनके साथ बैठ के चर्चा हुई है, रणनीति तय कर दी गई। मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से दमन मुख्यमंत्री के द्वारा किए जाने के जो कोशिश की गई, किसानों से मुचल के भरवाए, इससे मैं बहुत आहत हुआ और किसान भी बहुत दुखी हुआ है कि किसान तो वैसे ही मंडी में लुट रहा है, आत्महत्याएं कर रहा है। उस पर से उसको आप मानसिक त्रास देकर वाद करें 25,000 का मुचलका भरने के लिए, ये ठीक नहीं है। 40 लाख के आप डंडे खरीद रहे हो, ये तैयारी सरकार की आंदोलन को कुचलने की। मेरा शिवराज सिंह चौहान जी से कहना यह है कि मुचलका तो आपको भरना चाहिए इस प्रदेश की जनता के सामने। आप अपराधी हैं उन किसानों के जिनको पीट पीट कर मारा गया है, जिसकी आप FIR दर्ज नहीं कर रहे। आपने गोली चलवाई, बरेली से लेकर मंदसौर तक किसान गोलियों से मारे गए। तो जो अपराधी होता है, जो जवाबदेह व्यक्ति होते हैं, उनको मुचलका भरना चाहिए। तो मध्य प्रदेश शासन को ही जवाबदारी है कि इस प्रदेश का किसान ये कह रहा है कि आप मुचलका भर के दें कि आप गोली नहीं चलाएंगे, जो 40 लाख के डंडे आपने लिए हैं वो किसानों पर नहीं बरसाएंगे। ये हमारी मांग है। और जिनसे मुचलके भरवाए गए, अब हालांकि सरकार ने रोक लगा दी है, उन किसानों से मुख्यमंत्री माफी मांगे। रखा जी, जिस तरह से मुचलके की बात आई, सरकार बैकफुट पर भी आई जब विरोध होना शुरू हुआ। जिस तरह से हम देखा कि मंदसौर गोलीकांड हुआ, 1 साल होने को है और कमीशन गठित हो जाता, आयोग आता, लेकिन रिपोर्ट आज तक नहीं। देखिए, हमको शुरू से मालूम था कि जब जस्टिस जैन को उन्होंने इस काम के लिए आयोग का अध्यक्ष बनाया, कलेक्टर छिंदवाड़ा के वो भाई है, मुख्यमंत्री निवास में ही रिपोर्ट तैयार की गई है। आयोग केवल 4 किसान जो गोली से मारे गए हैं उनकी ही जांच कर रहा है, और 2 किसान 8 तारीख को जिनको पीट पीट कर मारा है, जिस पर आज तक FIR दर्ज नहीं हुई है, उनकी जांच वही हत्यारे कर रहे हैं। ऐसा उदाहरण देश में कहीं देखने नहीं मिलेगा। आयोग CM ने बहुत बड़े भाषण में कहा था कि 3 महीने में रिपोर्ट आयोग पेश करेगा, ये करेगा। 3 से 4 बार समय की वृद्धि कर चुके हैं। 11 मई आयोग का आखिरी समय था। अब ना तो कार्यकाल बढ़ाया गया है और ना रिपोर्ट लाई गई है। तो ये स्पष्ट जाहिर है कि सरकार किसानों की मौत पर लीपापोती कर रही है। कक्का जी, जिस तरह से पिछली बार भी हमने देखा किसानों का जो आंदोलन हुआ, तो कहा यह गया कि कांग्रेस का आंदोलन है, कांग्रेस ही मिले हुए हैं, और 1 साल पहले भी ये हुआ और 1 साल बाद भी सरकार उसी राह पर है। कल मंदसौर में मुख्यमंत्री ने कहा कि देखिए, इस तब आपको बरगलाने आए हैं, फिजा खराब करने आए हैं, कांग्रेस ही छुपे हुए हैं किसानों के बीच में। देखिए, अगर मान लीजिए कांग्रेस का भी आंदोलन हम मान लें एक बार को, हालांकि किसानों का आंदोलन है पूरा, कांग्रेस का इसमें कोई रोल नहीं है, और अगर वो कहते हैं कि किसानों की बात जायज है, आप गोली चलाएं, किसानों को मार डालें पीट पीट कर, उसके बाद भी कोई पार्टी अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे, तो उस पार्टी का रोल क्या रहेगा अपोजिशन का? वो अपना नैतिक धर्म पूरा कर रहे हैं, और उसके नैतिक धर्म को पूरा करने में हम ये कह दें कि कांग्रेस का है, तो मुख्यमंत्री जी को ईश्वर थोड़ा बुद्धि दे इस बात की कि किसका आंदोलन है, ये विषय सोचने का नहीं है। आंदोलन क्यों हो रहा है, इस पर विचार CM को करना चाहिए। किसान दुखी है, शोषित है, पीड़ित है, दंडित है, उसको राहत कैसे मिले, इसकी बात करना चाहिए। कांग्रेस का आंदोलन कहकर आप पल्ला झाड़ रहे हैं किसानों की बेसिक मांग को लेकर, ये एक मुखिया को शोभा नहीं देता है। और जिस तरह से मांगों के लेकर आप जिक्र कर रहे हैं, तो 3 बड़ी ऐसी क्या मांगे हैं जिनको लेकर ये पूरा आंदोलन खड़ा हुआ, 1 साल पहले भी हमने देखा और 1 साल बाद भी वहीं खड़े हैं? देखिए, हमारी 4 बड़ी मांगे हैं जो पूरे राष्ट्रव्यापी हैं, जिनको देश के सभी संगठनों ने स्वीकार किया है। आज की तारीख में भारत के लगभग सभी संगठन इसमें शामिल हो चुके हैं। पहली मांग हमारी ये है कि जो BJP ने अपने घोषणा पत्र में कहा था, मोदी जी ने अपने भाषणों में बहुत कहा इसको, कि हम किसानों को उसकी फसल की लागत का 1.5 गुना लाभकारी मूल्य देके स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पर लागू करेंगे। ये हमारी पहली मांग है। दूसरी मांग है कि
आपने नहीं दिया है और किसान को लागत के से भी बहुत नीचे माल बेचना पड़ रहा है, जिसके कारण किसान लगातार कर्जदार हो रहा है, तो कर्ज माफी अच्छा विषय नहीं है। पर चूंकि आप लागत मूल्य दे ही नहीं रहे, उससे कम दे रहे हैं, महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं, खाद पर GST लगा दिए आपने, तमाम टैक्सेस लगा दिए, ट्रैक्टर पर लगा दिए, तो लगातार आप लागत बढ़ा रहे हैं। एक भी फसल पर एक रुपया का आपने अभी तक कोई दाम नहीं बढ़ाया है, बस जिसके कारण किसान कर्जदार हुआ है। तो किसान का को ऋण मुक्त किया जाए, पूरे देश के किसानों को। दूसरी मांग हमारी है, तीसरी मांग हमारी ये है कि बहुत छोटा किसान है जिस पर उत्पादन इतना कम होता है कि वो मंडी तक नहीं पहुँच पाता और अपने घर के खर्चे के लायक ही पैदा कर पाता है, तो वो अपना परिवार कैसे चलाएगा। उसकी आय को सुनिश्चित किया जाए ताकि वो अपना जीवन यापन और परिवार का पालन पोषण कर सके। चौथी मांग हमारी ये है कि फल दूध सब्जी लहसुन प्याज आलू टमाटर जो चीजें हैं इनको भी समर्थन मूल्य के दायरे में लाते हुए डेढ़ गुना इनको लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य दिया जाए। ये हमारी चार प्रमुख मांगें केंद्र सरकार से। अक्का जी, जिस तरह से आंदोलन है, सरकार डरी हुई है, 3 जिलों में कैंप कर रहे हैं CM, नीमच जाते हैं, रतलाम, उज्जैन, मंदसौर में कल रात्रि भी उन्होंने विश्राम किया, कहीं ना कहीं एक पैनिक बनाने की ये भी कोशिश है कि हो सकता है कि हिंसा भड़क जाए। तो एक जिम्मेदार किसान नेता के तौर पर क्या हिंसा की कोई संभावना है, किसान हिंसक हो सकता है, और कितने किसान मध्य प्रदेश में आंदोलित रहेंगे? देखिए, हर किसान हमारा नेता है, जो किसान जहां पर है, आंदोलन हिंसक ना हो उसके हमने पहले ही पैरामीटर तय कर दिए हैं कि कोई किसान शहर नहीं जाएगा। जब वो शहर नहीं जाएगा तो जमावड़ा नहीं होगा, एकत्रीकरण भी नहीं होगा, किसी प्रकार की वारदात नहीं होगी, ये पूरी तरह सुरक्षित आंदोलन है। परंतु सरकार ने जिस प्रकार से एहतियात के तौर पर किसानों पर दबाव बनाया है, किसानों को भयभीत करने का प्रयास किया है, किसानों से मुसलके भरवाए हैं, 40 लाख के डंडे खरीद रहे हैं और तमाम फोर्सेस को लगा रहे हैं, इससे आंदोलन भड़कने की संभावना हो सकती है, जिसकी जवाबदारी केवल और केवल सरकार की होगी। 6 जून को क्या होगा, गोलीकांड की बरसी है और 6 जून को शायद आप भी मंदसौर जाने वाले। देखिए, 6 जून को हमारा जो टाइम टेबल है उसमें 5 तारीख को हम विश्वासघात दिवस मना रहे हैं, 6 तारीख को किसान शहीद हुए हैं, बरसी का समय है, श्रद्धांजलि देंगे उनको। जो जहां मना रहे हैं, अगर उसमें कांग्रेस भी मनाती है, श्रद्धांजलि देना चाहती है, तो ये अपराध नहीं है, ये उनका नैतिक दायित्व बनता है। हम 6 जून को दालोदा जो जगह है, जहां थाना है जिसमें 2 किसानों को पीट पीट कर मारा गया था, वहां पर अपने श्रद्धांजलि देंगे। बाकी लोगों को जहां देना है वहां पर देंगे, ये हमारा कार्यक्रम है। हमारी तो इस आंदोलन में अपील है सभी राजनीतिक दलों से, और खासतौर से भाजपा से भी है, कि भाजपा के वो कार्यकर्ता, वो नेता जो ये महसूस करते हैं कि किसानों के साथ अन्याय हुआ है, किसानों को पीट पीट कर मारा और मारने के बाद उन पर FIR देने के अपराधियों पर ये गलत है और किसानों को राहत मिलना चाहिए, वह भी इस आंदोलन का समर्थन करते हैं, तो उनका भी स्वागत है और सभी दलों का स्वागत है जो इस आंदोलन में किसानों की मांगों का समर्थन करते हैं। अक्का जी, एक आखिरी सवाल, जिस तरह से कल से एक तरह से आंदोलन का आगाज होगा और सरकार ने मिशन 240 करके तय कर दिया, 10 दिन का एक तरह से डेडलाइन सेट है प्रशासनिक तैयारियों को लेकर और तमाम तैयारियों को लेकर, कोई बातचीत की संभावना है या चीज़ें कल आंदोलन ना हो उसको लेकर कुछ हो सकता है आज रात तक? देखिए, सरकार के पास सब प्रकार की चीज़ें हैं, सरकार चाहे तो आंदोलन की दिशा दशा बदल सकती है, पर सरकार उस दिशा में काम ना करके केवल आरोप लगा रही वो इनका आंदोलन है, उनका आंदोलन है, और अपनी जवाबदारी से बचने का प्रयास कर रही है। हम सरकार से कोई वार्ता नहीं करेंगे, ये हमने तय किया। सरकार भरोसे के लायक नहीं है, सरकार विश्वास के लायक नहीं है। मंडियों में किसानों की नंगी लूट हुई है, किसानों की 5 मौतें मंडियों में हुई हैं। सरकार जो हमारी मांगे हैं उन पर आदेश जारी कर दे और आदेश की कॉपी हमारे संगठनों के पास पहुंचा दे। संगठनों की बैठक होने के बाद में जो आवश्यक निर्णय होगा वो लिया जाएगा। तो शिव कुमार शर्मा कक्का जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि कल से 10 तारीख तक मध्य प्रदेश में और देश भर में जो आंदोलन है वो अपना जगह बना रहेगा। सरकार को उन्होंने कहा कि अगर आप आंदोलन टालना चाहते हैं या आंदोलन ना हो ऐसी स्थिति चाहते हैं तो जो डिमांड्स हैं उनको फुलफिल कर दीजिए, आंदोलन स्वतः ही नहीं होगा।